हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अनुशासन के नाम पर अभिभावकों और नौनिहालों पर मनमानी। जबलपुर में 2 से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बच्चों को बाहर कर मेन गेट पर लगा दिया ताला। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। जब पेरेंट्स ने स्कूल के इस एक्शन को गलत बताया तो मैनेजमेंट ने टीसी देने की धमकी दे डाली। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा बच्चे 1 घंटे तक बैग लेकर खड़े रहे। कुछ बच्चे इतना डर गए थे कि रोने तक लगे। हंगामे के बाद करीब 8:30 बजे उन्हें क्लास के अंदर जाने मिला। मामला पोलीपत्थर स्थित सेंट अलाइसियस स्कूल का है। स्कूल पहले ही अवैध फीस वसूली और कॉपी किताबों की मनमानी बिक्री के आरोपों से घिरा हुआ है। पेरेंट्स का कहना है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन बौखलाया हुआ है। इस मामले में वे कलेक्टर दीपक सक्सेना से मुलाकात करेंगे। कुल मिला के ये है सब बच्चों को लेकर पापा को मिला रहे सेंट्रल ऑशियस स्कूल पोलीपत्थर में कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 7:30 पे स्कूल का मेन गेट बंद हो जाएगा, जिससे छोटे बच्चे जो भी लेट होते हैं उन लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7:20 के पहले पहले इन लोग ने मेन गेट तो बंद नहीं किया, उन लोग ने अंदर प्रमाइसेस का जो गेट है स्कूल क्लासेस में रूम में जाने का वहां का गेट बंद कर दिया। मेन गेट बंद नहीं किया, सारे बच्चे अभी अंदर ग्राउंड पे खड़े हैं। स्कूल के वैन और पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को छोड़ के जा चुके, जिससे अंदर छोटे बच्चे सभी जन मौजूद है। अगर कल को अगर कोई भगदड़ की स्थिति मच जाएगी तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्कूल प्रशासन तो पहले ही अपने नोटिफिकेशन से पल्ला झाड़ चुका है। ये क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं स्कूल का? स्कूल फीस जमा नहीं होने से इन लोग स्कूल वाले अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक, आपका शुभ नाम? देवाशीष। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।